अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं सुश्री स्वर्गीय कीर्ति समैया एवं स्वर्गीय श्री अनीता समैया की स्मृति में धर्मानुरागी श्री दीपक कुमार, संदीप कुमार, राजेश कुमार एवं मयंक कुमार समैया एवं समस्त धर्मानुरागी परिवार सागर मध्य प्रदेश। अज्ञानी जी ये सब करता है, ये ज्ञान का नुकसान करता है और ज्ञान का नुकसान करके कहता है कि धन बढ़ा। अरे क्या धन बढ़ा, फिर ज्ञान बढ़े ये काम होना चाहिए। समझ बड़ी के नहीं, हाथ के कट जाने पर, पैर के कट जाने पर, उंगली के कट जाने पर, देह के तेरे से प्रतिकूल चलने पर तुझे कुछ ज्ञान बढ़ा के नहीं, अब तो समझ ले। ये दौलत राम जी ने जब सात तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण लिखा तो आश्रव तत्व संबंधी भूल बतलाते हुए वे कहते हैं, तिन ही को सेवत गिनत चैन, रागादि प्रकट जे दुख देन, ऐसा कहते हैं। आश्रव की चर्चा है, लेकिन कहते हैं ये जो पुत्र के प्रति राग है, ये जो बच्चों के प्रति राग है, ये जो पत्नी परिवार मित्रों के प्रति राग दिखाई देता है, ये कह रहे हैं ये तेरे को राग प्रकट दुख दे रहा है, प्रकट में दिखाई दे रही है हमारे को, ये प्रतिकूल चल रहा है और फिर भी तू ये कहते है नहीं नहीं मेरे, नहीं नहीं मेरे, ये तेरा अपनापन ही नहीं टूट रहा। अरे भाई इस वेद विज्ञान के लिए मैं कहता हूं कभी ऐसा कि तुम इस बात को हाईलाइट करो जब ये शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चला था। बोलो वेद विज्ञान करना है, वेद विज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मानुभूति क्या करें उसके लिए, ये मैं करता हूं और मेरे करने से ये सब चलता है। माने वो जो कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, यदि वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए बनी हुई वो परिस्थिति जिसमें चलना चाहता था इधर और बैलगाड़ी चली इधर, यदि उस बात को हाईलाइट करें तो ये बात समझ में आ जाए कि मैं नहीं चला रहा हूं, उस चीज को हाईलाइट करें। अब हम ये कह रहे हैं सुबह से शाम तक आप यदि उन बातों को हाईलाइट करो जिन बातों में ये शरीर आपके अनुसार नहीं चला था, उन बातों को हाईलाइट करो जहां आज 24 घंटे में आपके हिसाब से नहीं बन रही थी, नहीं चल रही थी, तो आपको पता लगेगा कि ये मेरे नहीं है, मेरे होते तो मेरे हिसाब से चलते। कभी सर दर्द हो जाता है, कभी पेट दर्द हो जाता है, खाना कुछ आता है, खाने में कुछ आता है, दांत के नीचे कुछ आ जाता है, आंखें जलने लग जाती है, कभी आंख राइट की जगह लेफ्ट फड़कने लग जाती है, इसकी जगह वो हो जाता है, खुजली चलने लग जाती है, सर खुजाने लग जाता है, कोई व्यक्ति पैसे दे करके मना आ जाती है कि भाई मैं लेने दूंगा नहीं वापस तुझे, दिन भर दिखता है ना तुझे ऐसा, स्विच दबाना चाहता है इसकी जगह ये दब जाता है, रोटी गर्म चाहता है गर्म की जगह ठंडी हो जाती है, ते तू जो चाहता है वो काम नहीं हो रहा है ना। दिन भर में कितने प्रसंग ऐसे बनते हैं, कभी पेट साफ नहीं होता है तो कभी भरता नहीं है, कभी मन नहीं भरता है, कभी काम नहीं होता है, कभी मन माफिक नहीं बनता है, कभी सब्जी पसंद नहीं आती है, कभी छींकें चालू हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी पैर दर्द करने लगते हैं, कभी आराम करने का मन होता है, कभी कमर दर्द दुख रही है। 24 घंटे में कितनी बातें दिखती है तुम्हारे को, कभी डाढ़ दर्द कर रही है, दांत दर्द कर रहा है, हर समय विपरीत कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी। 24 घंटे यदि आप इन बातों को हाईलाइट करने का प्रयास करोगे तो हमारे वीतरागी संत ये कह रहे हैं कि वेद विज्ञान की धारा बलवती होती है। इससे वेद विज्ञान कैसे हो, वेद विज्ञान अब हो गया है ना, कोई लाइन है इस तरह की उनकी, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, एक अभेद की धारा में मैं बह गया, वेद विज्ञान अब हो गया, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो भेद तो है और भेद का ज्ञान भी हो रहा है लेकिन विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। विशेष ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस चीज को तो हाईलाइट नहीं कर रहा है, उससे परमे हो रहा है। खाना खाते खाते अचानक जीभ आ गई दांत के नीचे, अब बोला अब तेरी चलती है कैसे, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो क्यों नहीं हाईलाइट करता है। बालों को आईने के सामने खड़े होकर जब सफेद देखता है, जब उड़ते हुए झड़ते हुए देखता है, तो तुझे भेद विज्ञान क्यों नहीं होता है।
तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि यार ये मेरे चलाने से नहीं चल रहा था, मेरे करने से नहीं हो रहा था, मैंने कितने प्रयत्न किए फिर भी नहीं हुआ, ये चलता ही नहीं है मेरे हिसाब से। उस चीज को हाईलाइट कर। अब होता क्या है, अब वो घटना तो सर दर्द तो 5 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 2 घंटे हुआ, बाकी 22 घंटे नहीं था ना, तो ये कहता कि देखो मैंने सही कर लिया, इसके ऊपर भाव लगाई और सही कर लिया। मैं सही करने वाला मैं हूं, अभी हो जाएगा, एक गोली लूंगा और सही हो जाएगा। अरे लेकिन मूर्ख खराब क्यों हुआ था ये बता, ये नहीं बता सकता। तेरी मर्जी के बिना तेरे से प्रतिकूल चला कैसे, वो क्यों नहीं देख रहा है? इसमें सार नहीं है, इसमें सुख नहीं है, ये तेरे से भिन्न है, ये पृथक है, ये परद्रव्य है, ये जड़ है, ये अचेतन है, ये ना समझ है, इसमें ज्ञान नहीं है, और मैं ज्ञानवान और जानदार तत्व हूं, उसे नहीं देखता है। अब ये सोच रहा है ये चला नहीं जाए, ये चला नहीं जाए। अरे मूर्ख, ये कह रहे हैं यहाँ किसके समान कह रहे हैं, वो छिलके जिसमें से रस निकल गया है, अब तुझे किस बात की चिंता होती है? कोई तुम्हारे घर में बच्चे और हाथ में अनार लेकर और कैच कैच खेल रहे हो, तुम क्या कहोगे? अरे भाई पागले के कैसे खेल रहा, खराब हो जाएगी, अभी नीचे गिर जाएगी, अभी दाने खराब हो जाएंगे इसके, आप मना करते हो ना। और यदि वही बच्चे उसमें से अनार के दाने और रस निकाल लेने के बाद छिलकों को उछाल रहे हो तो आपको कितनी तकलीफ होती है, आप क्या सोचते बेदाम में से गिरी निकाल लेने के बाद? अब वो जो छिलका बचा है, अब परवाह नहीं करता उसकी, मैंने वहां तो समझदारी दिखाता है और यहाँ क्यों ना समझ हो रहा है? जान कर अनजान क्यों तुम बन गए? अरे ये सब जानते हुए भी, समझदार होकर के भी, काय भय नादान, काय भय नादान, टोडरमल जी साहब कहते हैं भाई जिस प्रकार से राधा जी घटे वो काम कर, जिस प्रकार से तेरा राधा जी घट करके तेरा प्रयोजन सिद्ध हो सके उस तरह से जान। जानता तो है लेकिन अपनापन लिए हुए जानता है, जान क्योंकि जानेगा तो सही, ज्ञान तो जानना तो तेरा स्वभाव है, ज्ञान से रहित तो कभी हो नहीं सकता है, तो ज्ञान तो सदा काल रहेगा, जानेगा। लेकिन जान करके उसके साथ में पैरेलल जो चल रहा है मोह की धारा बह रही है, राग की धारा बह रही है, वो राग और मोह की धारा मंद हो और ज्ञान का बल बढ़े तो वो वेद विज्ञान कार्यकारी है। ये ज्ञानियों की बात कह रहे हैं, पिछले छंद में जो बात कही थी उस छंद में कही थी कि भाई तू शरीर से अपना प्रयोजन साध ले, माने मोक्ष मार्ग प्रकट कर ले, फिर परवाह नहीं है। एक बार यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, शरीर के रहते रहते शरीर तेरा काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, तो तू एक काम कर, इन आंखों और कान के माध्यम से तू जितना स्वाध्याय कर सकता हो, जितना जनवाणी और तत्व का श्रवण कर सकता हो उतना कर ले, भरपूर लाभ ले ले जब तक चल रहा है तब तक। क्यों? क्योंकि क्या पता कौन से क्षण ये छोड़ दे। अच्छा चलो, ऐसा ऐसा हो सकता है ना, जब जब कभी कर्फ्यू लगता है और बीच में छूट दी जाती है तो आप क्या करते हैं? 2 घंटे का समय मिला है, 1 घंटे का समय मिला है, जो भी लाना है फटाफट ले आओ। कभी कभी ऐसा हो रहा हो कि न्यूज़पेपर में आ गया कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट की कटौती रहेगी, फिर आप क्या करते हैं कि जो चटनी बनानी है मिक्सी में पहले ही बना लो, फिर लाइट जाने वाली है, बोलो कितना प्रैक्टिकल है। अरे लाइट 12 बजे 11 बजे चली जाएगी, तुम चटनी बनाओ, नहीं तुम सब काम छोड़ो, पहले ये काम करो फिर चले जाएगी। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं भैया क्या ये चली जाएगी, ये देह चली जाएगी, ये आंख नाक कान चले जाएंगे, ये काम करना बंद कर देंगे। सुनो, प्रयोजन साध लो, जाने के पहले साध लो, जब तक ये साथ नहीं छोड़ देंगे उससे पहले। यही तो कही थी पिछले 53 नंबर के श्लोक में जो बात कही थी, जो कल हमने पढ़ी थी बात, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटिती निज, अपना भला कर लो। 100% जाने वाली है भैया आंखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये जाने वाली है, ये कान जाने वाले हैं, ये समझ लो आप, जवान जाने वाली है, आंखें काम नहीं करेगी। इसलिए जितना कहते हैं ना वो कंठ की विद्या और अंत के दाम, वक्त पड़े पर, समय पड़े पर आवे काम, तो आपने जितना जनवाणी को कंठ में बसा लिया
जितना अपने अंदर में बसा लिया, अब आंखें रहे तो रहे, अब कान रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैंने अपना प्रयोजन साध लिया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके, अपना काम तो हो गया, अपनी चटनी पिस गई। अब अपना काम हो जाने के बाद अब लाइट जाए तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। अब डिस्कनेक्ट हो तो हो, अब तुम्हें जो करना हो तो करो, कटौती जो भी करनी हो, मैं तो ठिकाने पहुंच गया, अब इसका जो भी हो तो हो। अपने पहुंच जाने के बाद, अपने घर में आ जाने के बाद में, अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने घर में आ गए। निज घर में आ जाने के बाद में ये कह रहे प्रयोजन भूत काम कर लेने, जिसने कर लिया हो, जिसने कर लिया हो, बात तो उसकी है, जिसने कर लिया हो वो ज्ञानी जीव इसे छिलके के समान जान करके परवाह नहीं करता। लो ग्रहीत सार, देखो हे आत्मन, अन्वय अर्थ की चौथी लाइन में कहते हैं हे आत्मन तू भी क्या कर, तू भी ग्रहीत सार इस शरीर को कर ले, माने इस शरीर को कैसा कर ले, ग्रहीत सार कर ले, इस शरीर के माध्यम से सार को ग्रहण कर ले, जिससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। बोलो फिर, हो जाए तो हो जाए नाश, हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे वस्त्र बदल लेते हैं, इस तरह से तन बदल लिया जाएगा और ये जीर्ण शीर्ण शरीर छूटेगा तो नया मिलेगा, मुझे नए की परवाह नहीं है। लेकिन ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, इस तरह के संबोधन किए हैं कि अरे भाई तेरा ये कमजोर शरीर जिसमें जगह जगह दादा कहते हैं थिंगड़े लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, आंखें चेंज हो गई, हार्ट चेंज हो गया, चीर फाड़ हो रही है शरीर में, घुटने बदल लिए, दांत नकली लगे, किडनी बदल गई, ये सब जो जिसमें सिलाई हो रही है सिल करके, जिसमें वो खराब लगे हुए बेबंद है, जगह जैसे कपड़े फट जाते हैं ना, और जगह जगह उसमें सिलाई करके उसमें और एक टिकड़ा लगा दिया, एक चिपका दिया ऊपर से, ये फट गया था इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा करके उसको चिपका दिया, फिर उसको चिपका दिया, अरे भाई ऐसा खराब हो गया है, अब हम कह रहे हैं कि तुझे नया कपड़ा दिलाए, मुझे नहीं ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं नहीं फेंकूंगा, अरे तुझे पता नहीं है क्या मिलने वाला है, तुझे पता नहीं है तुझे कौन सा साम्राज्य मिल रहा है, तुझे मुक्ति का साम्राज्य मिल रहा है। किसी राज्य में ऐसी एक राजा की मृत्यु हो गई और मंत्रियों के उसके कोई संतान नहीं थी, तो मंत्रियों के माध्यम से सब लोगों के माध्यम से मिलकर के इस बात का निर्णय लिया गया कि राजा किसे बनाया जाए, तो कहा किसी सज्जन व्यक्ति को नगर के बाहर से आते हुए दरवाजे खुलने पर जो सबसे पहले आता हुआ दिखाई देवे उसे राजा बना दो। अब निर्णय कर लिया ऐसा, राजा के पुत्र था नहीं, अब किस राजा की होगी मृत्यु, अब क्या करें, तो एक व्यक्ति को जैसे ही घोषणा की कि भाई इतने बजे दरवाजे खुले, जो आएगा सो आएगा, आपस में बात हुई इस तरह की मंत्रिमंडल में, जब दरवाजे खुले तो दरवाजे खुलते ही बाहर से एक भिखारी फटे टूटे कपड़े पहनने वाला क्या वो उधर से आ रहा था, और इन्होंने पकड़ लिया कि भाई साहब ये तो ये राजा बनने के योग्य है, इसको राजा बना दिया जाए। अब उसे राजा बनाया गया, राजगद्दी पर जाकर के बैठ गया, नए नए कपड़े और सिंहासन और सब सारी सुविधाएं और सब कुछ उसके लिए हो गई, उसका आदेश चलेगा। उसको देखा थोड़ी देर बाद में कि वो अपने कमरे में जाकर के फटे हुए कपड़ों को समेट रहा था। कि भाई तुम ये क्यों समेट रहे हो महाराज, आप ये क्यों समेट रहे हो, कि नहीं नहीं फिर दोबारा ये काम आएंगे मेरे। तुझे पता नहीं है तू क्या समेट रहा है, क्या तुझे पता नहीं है तू किसको इकट्ठा करने के अंदर अपना समय बर्बाद कर रहा है, तुझे जो चीज मिल रही है, तुझे जो चीज मिलने वाली है, ये जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था उससे पहले ही कपड़े बदलते समय समेटने लगा, संभालने लगा। भाई तुझे मुक्ति का साम्राज्य मिलने वाला है, तुझे अतिंद्रिय आनंद के दरिया झरने वाले हैं, तू एक बार देह के प्रति नेह को त्याग कर, इन छिलकों के प्रति अपनेपन को त्याग कर, तू असली माल की तरफ दृष्टि देने का प्रयास तो कर, अंदर में भरा पूरा तत्व, ये अंदर में माल है, ये असली माल है, ये वही माल है, कौन सा, जो माल महावीर भगवान के पास में,
दिवेश जी उसी क्वालिटी वाला है, महावीर भगवान वाला ही, आदिनाल भगवान वाला, शांतिनाल भगवान वाला, सिद्धालय में बैठ करके जिस माल का जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं वही माल, सेम क्वालिटी, कुछ फर्क नहीं, ये मौजूद है हमारे पास में, क्वांटिटी का भैया बोलो, वही क्वालिटी वाला, ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ये कह रहे हैं भैया सुन, वो अनुभव करेगा तू सिद्धों जैसा, जैसा अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, 2400 तीर्थंकर परमात्मा जिस सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख का अनुभव कल्पना करो जरा, कैसा लगता है आपको? साधारण सी बातें, किसी सचिन तेंदुलकर के साइन किया हुआ बैट हो ना अपने पास में, तो कैसा लगता है साध्य? मेरे पास तो सचिन का बैट है, धोनी का बैट है मेरे पास में, तो क्रिकेट क्या है जिससे वो क्रिकेट खेलता है? आपको पता है मेरे घर में जो चावल आते हैं ना, मैं वहां से मंगवाता हूँ बाहर से, वही चावल आते हैं जो अमिताभ बच्चन के घर में आते हैं। बाहर से आते हैं, यहाँ से नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। और जो उसके घर में आते हैं, जो ओबामा जिस कंपनी के शूज पहनता है ना, मैं भी उसी कंपनी के जूते पहनता हूँ। अरे मूर्ख, समझ में नहीं आ रही ये बात। इनकी तो तुझे महिमा आती है, पहले से धुल करके आते थे कपड़े नेहरू जी के, क्या इसे इन चीजों की महिमा आती है? हम कह रहे हैं सुन, इनकी बात नहीं है, इन मिनिस्टरों की बात नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात नहीं है, यहाँ तो तीन लोक के नाथ जिस आनंद का अनुभव करते हो, उस आनंद का अनुभव करते हैं ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, ये वेद विज्ञानी जीव, ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, मनिराज भोगते सुख की खान, उस आनंद की खान को भोगते हैं मनिराज, ये संत हमारे बीतरागी संत। लेकिन कब भोगने में आता है? जब दृष्टि छिलके से हटती है और दृष्टि माल की तरफ जाती है, तब होता है। इसलिए तू भय रहित हो जा, तू परवाह मत कर। बनारसी दाल जी ने अंत समय में लिखा ना चंद, ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना, प्रकट हो ज्ञान स्वरूप जो सोहना, अनंत जो सोहना, क्या? और फिर जा पर जय को अंत सत्य करी जानना, और चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। अंत समय में बनारसी दास जी के गला रुंध गया था, पैरलिसिस जैसी स्थिति हो गई थी, शब्द नहीं निकल पा रहे थे, कुछ बोलना चाहते थे और बोल नहीं पा रहे थे, और लोगों ने सोचा कि अरे अरे पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई संपत्ति के बारे में कहना चाह रहे हैं, कोई तीन नंबर रखा होगा ना मालूम कहीं, तीन नंबर तो जानते हैं भाई साहब, खूब सुने पता नहीं कहीं किसी को दिया होगा, कहीं बंटवारी की कह रहे होंगे, कहीं धन की कह रहे होंगे, लाओ 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 पता लगे कहीं कुछ क्या क्या कहना चाहिए, इनके प्राण अटके हैं कहीं धन में संपत्ति में, क्या कागज पहन दो इनको। तो अंत समय में क्या लिखा उन्होंने, क्या ज्ञान रूपी इस हथियार को लेकर मारी मोह रूपी शत्रु को मैंने मार दिया, ऐसा लिखा बनारसी दास जी ने, ज्ञान कुतक का हाथ मोह हरि मारना, और प्रगट्यो रूप अनंत सोहना, प्रकट हो गया अनंत जो सुशोभित होने वाला जो स्वरूप है वो अंदर में प्रकट हो गया। और फिर कहते हैं जा पर जय को अंत सत्य गरिमानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना, मोह को मार दिया मैंने, तुम गलत फहमी में मत रहो, अब चले ये बनारसी दास फेर नहीं आवना, अब ये दोबारा आने वाले नहीं है, इस चक्कर में मत उलझो तुम, हमने मोह को मार दिया, हमारे प्राण कहीं अटके हुए नहीं है, क्योंकि अब हमने प्राण वाले तत्व को पहचान लिया है, यहां से जा रहे हैं लौट करके नहीं आएंगे, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर तत्व हूं, नहीं मरने वाला एक तत्व हूं। ये देखो यहां यही कह रहे हैं, इसके नाश होने पर भी भय रहित होते हैं, तुम्हें डर नहीं होता,
वो बच्चे का प्रसंग सुनाया था ना दो चार दिन पहले, दिल्ली के सच्ची जो घटना है, डाकू ने किडनैप कर लिया था, वो मार दे कोई बात नहीं, परवाह नहीं होती ज्ञानियों को, अब मरने की परवाह नहीं होती, मार दे मार ले कोई बात नहीं, मार मार मैं मरता ही नहीं, ये बात समझ में आ जाए एक बार। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य ईख से माने गन्ने से रस निकालने के पश्चात रोज करते हैं ये काम, तो रस निकालने का चाहे अनार का निकालो चाहे संतरे का निकालो चाहे किसी भी चीज का निकालो, रोज रस निकाल करके क्या करते हैं आप, बाकी जो नीरस जो तत्व है उसे निकाल करके फेंक देते हैं, अब वो अप्रयोजन भूत है आपके लिए। ये कह रहे निकालने के पश्चात उसे जलाने से दुखी नहीं होता, कौन मनुष्य दुखी नहीं होता, ले जाओ दे देता है, निकाल करके फेंक देता है, रोड किनारे ले जा करके पटक आता है, ये कहते हैं दुखी नहीं होता। वैसे ही हे आत्मन शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, मधुर संबोधन करते हुए कह रहे हैं हे आत्मन तुम भी इस मनुष्य शरीर के निमित्त से, इसके निमित्त से अत्यंत अभाव है दोनों में, शरीर में और आत्मा में दोनों में अत्यंत अभाव है, इस मनुष्य शरीर के निमित्त से मोक्ष का साधन कर, मोक्ष का साधन रत्नत्रय प्रकट कर, रत्नत्रय कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, भेद विज्ञान कर लो, देह से अपने आप को भिन्न देह देवालय में विराजमान उस तत्व को पकड़ लो, उस माल को निकाल लो, रत्न को निकाल लो आप। अच्छा आपके पास में जगह नहीं हो, मान लो परदेश से आ रहे हो आप, क्या आपको परदेश से धन कमाया आपने खूब इकट्ठा किया और आपको घर आना है, लौट करके आना है वापस, और जगह नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करोगे, खूब रत्न कमाए थे आपने और अच्छे डायमंड सेट थे अच्छे बॉक्स में रखे हुए, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, अब जगह नहीं है, आ नहीं रहा है, वजन बढ़ रहा है, बोलो तो आप क्या करेंगे, बॉक्स को निकालो फेंको इसको, अब इस बॉक्स में से माल निकाल लो, रत्न निकाल लो, डायमंड सेट निकाल लो, अब ये निकाल लो और उसको जाने दो, असली चीज निकल गई तो अब इस पैकिंग से कुछ प्रयोजन नहीं है। ये कह रहे हैं रत्नत्रय रूपी रत्न निकाल लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न निकाल लिए, ये माल निकाल लिया, तो अब ये जो शरीर की पैकिंग है, ये शरीर कैसा है, मोक्ष का साधन कर, शरीर को निस्सार रस रहित बना लो, अब इसमें रस नहीं है, और फिर इस शरीर के नाश होने से निर्भय हो जाओ, निर्भय भवो, निर्भय निर्भय हो जाओ, डर नहीं रहे किसी भी प्रकार का। देखो भाई जैसे मौत का डर नहीं उसे दुनिया में किसका डर होगा, सबसे बड़ा भय कहा है सात प्रकार के भयों में, मृत्यु का भय, इससे बढ़कर कोई भय नहीं है, सप्त भयों में सबसे बड़ा भय है मरण का भय, बाकी सबको बर्दाश्त कर लेता है लेकिन मौत के विकल्प मात्र से घबराता है, और ये कह रहे हैं कि तू शरीर से भिन्न अपने आप को जानकर निर्भय हो जा, फिर तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ अशुचि भावना के माध्यम से शरीर की अशुचिता को बतलाया और शरीर के प्रति ममत्व और मोह तोड़ने की बात कही, और फिर ये प्राणी कहता है कि भाई आपने ये अशुचिता कही तो है, क्या मैं इतना पवित्र हूँ, क्या इतनी अशुचिता है, क्या इतना मलिन हूँ मैं, तो फिर आचार्य देव कहते हैं कि भाई सुन तूने ध्यान नहीं दिया, हमने ये शरीर की मलिनता बतलाई है तेरी नहीं, तेरी मलिनता तो कुछ और है, ऐसा कहकर फिर ट्रैक बदल रहे हैं यहां से, अभी तक जो वैराग्य में चिंतन प्रस्तुत किया था अब आश्रव भावों के माध्यम से तेरी स्वयं की मलिनता और अशुचिता की चर्चा आगामी छंद से करने वाले हैं, जिसे कल विस्तार से हम आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात में ही विराम लेते हैं। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं सुश्री स्वर्गीय कीर्ति समैया एवं स्वर्गीय श्री अनीता समैया की स्मृति में धर्मानुरागी श्री दीपक कुमार, संदीप कुमार, राजेश कुमार एवं मयंक कुमार समैया एवं समस्त धर्मानुरागी परिवार सागर मध्य प्रदेश।